तो भाई लोग पब्लिक कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अभी तक खैरियत से होंगे, लेकिन आगे जो होने वाला है और तुम जो करने वाले हैं उसके बाद आपको तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जेल बहुत जोर से जाएगी, जिनकी हटेगी भी और फटेगी भी। कल से देख रहा हूँ कि कंट्रोवर्सी फैला के रखी हुई है, नवाज भाई के ऊपर हेट फैलाने में टॉप पे चल रहे हैं भाई जान। मतलब सारे अपना वो वक्त भूल गए हैं जब नवाज भाई ने हमारे मैच जीता था, तो सारे उसको अबू बनाने के लिए नवाज अबू नवाज अबू नवाज अबू नवाज अबू सबको ये नजर आ रहा था कि नवाज भाई जो है यही हमारे वालिद साहब है। कितनों को तो मैं रास्ते में पकड़ के लेकर आया हूँ, बोला भाई किधर चल दिए सारे, तो आगे से बोलते हैं आज नवाज भाई ने मैच जितवाया है ना, तो बोल दिया भाई अब्बू की जगह नवाज भाई का नाम लिखवाने जा रहे हैं। लेकिन वही कंट्रोवर्सी फैलाने वाले लोग हैं जो कल का मैच देखने के बाद अब यही हरकतें कर रहे हैं कि नवाज का ओवर ही नहीं बनता, नवाज को क्यों दे दिया, नवाज ने मरवा दिया। अब अजीब किस्म की आवाम में नवाज का वो वक्त भूल जाते हैं जब नवाज ने मैच जितवाया था। और दूसरी चीज, अगर सारी चीजें तुम्हें ही पता है कि किसका आखिरी ओवर बनता है और किसका पहला ओवर, तो पीसीबी की जगह जाकर तुम बैठ जाओ ना भाई, तुम्हारा ही तो काम है। और बाबर आजम तो चूतिया है, बाबर आजम को तो कुछ पता ही नहीं है, बाबर आजम ने तो कल क्रिकेट खेलना शुरू किया है। और सबसे मेन बात तो यह है भाई कि जब मेरे अब्बू मेरे साथ क्रिकेट देखने के लिए बैठते हैं तो वो यही पूछते हैं सामने वाली टीमों को देख के कि अपनी टीम का इंतजाम कब आएगा, इमरान खान बॉलिंग पे कब आएगा। अबे भाई बुड्ढे खिलाते हैं बाकी टीम वाले, बुड्ढे अपने सारे नए लौंडे यंग लौंडे आपको चाहिए, उनको सपोर्ट करो, उनको अप्रिशिएट करो, नए लौंडों को यंग लौंडों के तमाम। शाहीन अफरीदी ये भी कल का ही लौंडा है भाई हमारा, ये क्या उसकी परफॉर्मेंस, वो भी जब भागता हुआ आता तब भी तुम अब्बू अब्बू चिल्लाते हो। नसीम शाह कल का लौंडा है ना, देख रहे हो परफॉर्मेंस, वहां से केएल राहुल को देख लो, वो गरीब तो यही रंडी रोना करते रहता है भाई, कभी कल का बच्चा आके ये आउट कर देता है, कभी कल का बच्चा आके ये आउट कर देता है, उसकी तो कोई इज्जत ही नहीं ना इस माशरे में। और दूसरी सबसे मेन चीज ये भाई, ये इंडिया वो टीम है जिससे जीतने की ख्वाहिश रखा करते थे हम एक वक्त, लेकिन अब इंडिया हमसे जीतने की ख्वाहिश रखता है। और अगर एक मैच जीत भी गया यार तो क्या हो गया, अभी तो पूरा टूर्नामेंट पड़ा है। लेकिन नहीं, कंट्रोवर्सी फैलाने वालों ने तो यही बोलना है ना, नवाज की गलती है, नवाज को क्यों दे दिया ओवर। तो भाई सबको ये नजर आ रहा है कि नवाज को ओवर क्यों दे दिया, मान लिया बहुत बड़ी बात, मैं खुद बोलता हूँ, मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ, विराट कोहली इज अ क्लास इज नॉट अ बैट्समैन। लेकिन विराट भाई ने अभी कल की जो हरकत की है, विराट भाई ने बोल दिया नो बॉल, तो आगे से अंपायर ने भी बोल दिया नो बॉल। रिव्यू कहाँ है, उसको देखेगा कौन कि वो नो बॉल है या नहीं, कल किसी ने देखा कि वो नो बॉल थी या नहीं। मैच खत्म होने के बाद 200 लोगों के मुंह से निकलना शुरू हो गया भाई ये तो नो बॉल ही नहीं थी, मैच के वक्त कहा थे तुम लोग, नवाज भाई को गलत बोलते वक्त ये सारी बातें कहाँ जा रही है भाई, नवाज भाई को गलत बोलते वक्त भी तो ये सोचो ना कि वो नो बॉल थोड़ी थी। और दूसरी सबसे मेन चीज, एक नया रूल भी तो निकला है ना कि अगर नो बॉल पे फ्री हिट है और फ्री हिट पे बंदा बोल्ड हो जाता है तो 3 रन भाग सकते हैं। भाई वाह क्या बात है, मतलब डेड बॉल की जगह 3 रन भाग गए, लेकिन जब भी नवाज का कसूर है भाई। ये फेक कंट्रोवर्सी फैलाने की जगह तुम्हें चाहिए अपनी टीम को सपोर्ट करो, अपनी टीम को अप्रिशिएट करो, सारी नई टीम है भाई, देखो एक्सपीरियंस काम आता है। चाचा ने अपने इंटरव्यू में कहा था ना कि भाई ऑस्ट्रेलिया के पिचों पर मैं मारता हूँ, बाहर के पिचों पर मैं धोता हूँ, भाग ले रहे थे ना, अबे मजाक समझो का, अबे चाचा ने इतना धोया कि तबीयत फ्रेश कर दी। चाचा ने कल दिखा दिया कि मैं नहीं तो कौन है इस टीम में, चाचा ने धो दिया। अरे बैटिंग लाइनअप ने स्कोर दिया ही कितने का था भाई, वो भी कैसे दे दिया, अगर शाहीन अफरीदी नहीं मारता और अगर चाचा नहीं चलते कल तो क्या कर लेते तुम लोग, साला स्कोर का विन इतना कम दे रहे हो, उसके बाद तुम सारी कॉन्ट्रोवर्सी बॉलर्स पे डाल रहे हो। भाई बॉलर्स का कोई कसूर नहीं है यार, अगली टीम भी खेलने आई है और अभी तो पहला मैच था यार, क्या हो गया, पहला मैच अभी तो पूरा टूर्नामेंट बाकी है। और ये तो वो टीम है जो ख्वाहिश रखती है हमसे जीतने की, लास्ट टाइम भी यही हुआ था ना, पहला मैच जीतने दे दिया था। और एक तरफ अगर देखा जाए तो इनके सीनियर प्लेयर जितने भी हैं सारे अच्छा खेलने वाले हैं भाई, अगर कुछ हमारी टीम के भी सीनियर प्लेयर होते ना, अभी मोहम्मद आमिर आते तो फिर विराट कोहली के मुंह से वही बात निकलती, हाँ जी मुझे लगता है अगर मुझे कोई आउट कर सकता है, हमारे लिए कोई डिफेंडेबल बॉलर है तो वो मोहम्मद आमिर है। तो मतलब आमिर की एक क्लास थी क्योंकि वो सीनियर था और वो इनके साथ खेल चुका है। इतने बुड्ढे बुड्ढे खेल रहे हैं बाकी की टीमों में कि अगर आप रोहित शर्मा को देखो तो सिर्फ फूलते पे फूलता जा रहा है, अगर उसकी उम्र देखने जाओगे तो 50 साल से ऊपर का होगा ये तो। लेकिन इनके पास पैसा बहुत है कि शक्ल पे लगा लगा के लगने नहीं देते कि हम बुड्ढे हैं। बाकी मुझे अपनी टीम से कोई हेट नहीं है, मैच हार गया बाढ़ में गया, यू आर लव पाकिस्तान, पाकिस्तान है यार, हर वक्त सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए। ना हम कोई कंट्रोवर्सी फैलाएंगे ना हम कोई हेट फैलाएंगे, नवाज भाई आप चीते हो भाई चीते, आप लव हो, आपने जो मैच जितवाया हमें वो भी याद है, अगर कोई कल का मैच हार गए कोई बात नहीं यार, नो बॉल बिला वजह की दी गई, 2 रन बिला वजह के हुए, वो 3 रन जो आउट में भागे बिला वजह के रन, 1 बॉल पे 7 रन या 8 रन चाहिए होते, लेकिन हमारे होनहार और बेमान एम्पायरों की वजह से कितना स्कोर बचा 1 बॉल पे 2 रन। अबे ऐसे वक्त में वाइट कौन करता है, फिर कुछ कंट्रोवर्सी फैलाने वाले ऐसे भी मिलते हैं। अबे तुम कभी उतर के तो देखो फील्ड पे, तुम्हें पता चले गली क्रिकेट में भी अगर 1 बॉल पे 6 रन चाहिए ना तो बॉलर के हाथ पर जब भी कांप रहे होते हैं, और ये तो इतना बड़ा इंटरनेशनल है, अगर किसी से टसल का मैच खेलने बैठोगे ना 10 बंदे उनकी टीम से सपोर्ट करो, 10 बंदे तुम्हारी टीम के सपोर्ट करो, तुम्हारे हाथ पैर कांप जाएंगे 1 बॉल पे 5 रन चाहिए और बॉल कराते हुए। कभी फील्ड पे उतर के तो देखो, जो लोग वहां पे खेल रहे होते हैं, जो लोग वहां पे कर रहे होते हैं, जिन लोगों की मेहनत होती है
उन लोगों के ऊपर क्या बीतती है तुम्हें नहीं पता, ना मुझे पता, ना हम लोगों को पता चल सकता है भाई। वो 11 गरीब जो खेल रहे होते हैं ना, वो 11 गरीब जिनको हम गालियां दे रहे होते हैं, वो 11 के 11 हम 25 करोड़ की उम्मीदें लेकर खेल रहे होते हैं। तो यार बस आज के लिए मैं इतना ही बोलूंगा, क्योंकि बहुत सारे फैंस हैं जिनकी हटेगी भी, और बहुत सारे फैंस हैं जिनको ये वीडियो पसंद भी आएगी। तो यार अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं आपसे दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन दोबारा एक बात बोलूंगा, पाकिस्तान यू आर लव यार, कोई हेट नहीं है, कोई बात नहीं, फिर खेलेंगे यार, पूरा टूर्नामेंट है।